मुंबई के माटुंगा में जैसल कोठारी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन सेंटर का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। आपको बता दें कि ये वैक्सीन सेंटर माटुंगा के श्री दयानंद बालक विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्कूल में आयोजित किया गया, जहां आए हुए सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। गौरतलब हो कि इस वैक्सीन सेंटर में खास तौर पर बीजेपी स्पोक पर्सन सुमित सुमन सिंह मौजूद रहे। बता दें कि माटुंगा व आसपास के इलाकों के सभी लोग इस वैक्सीन सेंटर में खुद और अपने परिवार वालों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं। गौरतलब हो कि स्थानीय लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जैसल कोठारी ने वैक्सीन सेंटर लगाने की मांग की थी, जिसे मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के सहयोग से माटुंगा के श्री दयानंद बालक विद्यालय में वैक्सीन सेंटर का आयोजन किया गया। इस वैक्सीन सेंटर पर सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा। इस वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर किया गया, जहां सभी लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये एरिया ऐसा एरिया, यहाँ पर किसी कोई भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, तो हमारा और जैसल भाई का ये सोचना हुआ मीर भाई के आदेश से कि ये सेंटर होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग कहाँ कहाँ भटक रहे थे, तो उनको भटकने से बचाने के लिए ये सेंटर यहाँ पर होना बहुत लाभप्रद हुआ यहाँ की आम जनता के लिए, स्पेशली 177 वार्ड के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुआ ये। तो मैं इसमें मेहर भाई और जैसल भाई को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे आर्य समाज माटुंगा के इस श्री दयानंद बालिका विद्यालय को इसमें इन्वॉल्व किया। हमारा दयानंद बालिका विद्यालय भी उनके लिए धन्यवाद करता है। ये वैक्सीन हमने कॉमन रखा है, जनरल रखा है, 18 के ऊपर कोई भी उम्र का मुकाम होगा, हम हर मुकाम के व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम 18 प्लस में दो लोगों को रखते हैं या 30 प्लस रखते हैं या 45 प्लस रखते हैं, तो उसमें सभी बेनिफिटेड नहीं होते हैं। अगर हमको सभी को फ़ायदा देना है, तो इसलिए हमने ये 18 से लेके सीनियर सिटीज़न तक रखा है। यहाँ पे माटुंगा, दादर और किंगसेकल में सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पे वैक्सीन सेंटर चालू होना चाहिए। तो मैंने मीर भाई, जो मुलुंड के आमदार है, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी हेल्प की वजह से यहाँ पे सेंटर चालू हुआ है। पर यहाँ पे माटुंगा, किंगसेकल, दादर की पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हम लोग ने सोचा था 3 दिन के लिए रखेंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आने लगे तो संडे तक, अभी तक डिसाइड किया कि संडे तक कैंप लेंगे और स्पॉट रजिस्ट्रेशन और ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट भी दे दें। ये सेंटर 18 प्लस के ऊपर है, 45 के ऊपर जो सेकेंड डोज है, फर्स्ट डोज है, वो भी ले सकते हैं, यानी कि 18 साल के ऊपर सभी लोग फर्स्ट डोज ले सकते हैं, और 45 के ऊपर जो होगा उनको फर्स्ट डोज प्लस सेकेंड डोज दोनों मिलेगा। और सर्टिफिकेट का आपको मैंने बताया कि ये ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट भी दे दे। 2 डेज के लिए उनको रुकना पड़ेगा, और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो सेकेंड डोज के लिए है, तो अपने अपने वार्ड ऑफिसर को या अपने अपने एरिया में, क्षेत्र में जाके पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स के लिए सेकेंड डोज वहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उनको। कि पब्लिक को तो मैं पहले ऐसे मैसेज देना चाहूँगा कि 27 जून, यानी कि संडे को, 27 जून तक संडे को वैक्सीनेशन सेंटर चालू है, और 18 प्लस के लिए सभी लोग आए, वैक्सीनेट करें। और आपने बताया कि पूछा कि कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैंने पहले बताया कि माटुंगा के लोग, किंगसेकल के लोग, दादर के लोग मुझे फ़ोन करने लगे, मिलने लगे कि यहाँ भी वैक्सीन सेंटर चालू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगती है, सभी लोग परेशान होते हैं। तो मैंने सुमिता सिंह जी को, मैंने ऑलवेज जब भी कुछ सोशल वर्क करना है तो मैं इनको ऑलवेज कोऑर्डिनेट करके, आर्य समाज जो स्कूल है, दयानंद बालिका स्कूल है, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया 8 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कैंप, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तो वो हिसाब से यहाँ पे कैंप चालू हो गया। ज़रूरी तो था ऑब्वियसली, क्योंकि स्लॉट्स मिल नहीं रहे थे हम लोग को कहीं भी। एंड अभी यहाँ पर लोकल लीडर्स ने मिल के यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया 3 डेज के लिए, तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी नाइस कि लोकल्स को सब मिल रहा है अभी वैक्सीन, क्योंकि बहुत लोग को मिला नहीं, और इम्पोर्टेंट तो है ही लेना, सबको लेना ही चाहिए। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, सब लोग को लाइन से प्रॉपरली अरेंज किया जा रहा है, फॉर्म्स भी प्रॉपरली भरे जा रहे हैं, और ठीक है एक मिनिमम फीस ले रहे हैं वो लोग, लेकिन वो भी नेसेसरी है क्योंकि ये टाइम पे सब जगह शॉर्टेज है, एंड अच्छी फैसिलिटीज़ है। के लिए यहाँ पे चालू किया है, 18 प्लस लोगों के लिए चालू किया है,
बच्चों के लेके सोशल डिस्टेंस हम लोग रखते हैं बराबर, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट ने हमको जो गाइडलाइंस दी है उस हिसाब से ही हम लोग सबको बोलते हैं डिस्टेंस पर है और आराम से सब वैक्सीन लेके जाइए, और सबको वैक्सीन लेना जरूरी है, और हम यहाँ उनकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। जो गवर्नमेंट ने 780 रुपीज़ बोला है उतना ही हम लोग लेते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आइए और वैक्सीन लगाइए। ये यहाँ पे पूरा एरिया में हमारा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है काफ़ी लोग एक एक दिन के लिए करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 8 दिन के लिए चालू रखा है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक आप आइए। सीनियर सिटीज़न के लिए डायरेक्ट सुविधा है कि उनको रुकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम सीनियर सिटीज़न को ले लेते हैं, और 45 प्लस वाले के सेकंड डोज भी यहाँ पे अवेलेबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।